स्वास्थ्य विभाग के संभागीय ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर अनिल शुक्ला हां संभाग के सब्बो जिला के सीएमएचओ और नर्सिंग होम एक्ट के नोडल ला पत्र जारी किए हैं और सब्बो झोला छाप डॉक्टर मन के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। बता दें कि सरगुजा में सैकड़ों के संख्या में झोला छाप डॉक्टर्स के क्लिनिक संचालित हुए थे। इलाज में लापरवाही के वजह ले आए दिन ग्रामीण मन के मौत के मामला अगुआवे थे, जखर बाद ज्वाइंट डायरेक्टर हां जाँच के निर्देश दिए है। हमारे सरगुजा संभाग में लगभग, मैं जहाँ तक सरकारी संस्थाओं की बात करूँ तो लगभग 1000 जो है आरोग्यम मंदिर है और करीब 151 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, 37 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, CHC, 6 जिला अस्पताल हैं और लगभग 5 सिविल हॉस्पिटल हैं। लेकिन इसके अलावा हर जिले में कई सारे जो हैं हमारे पैथोलॉजी लैब चल रहे हैं, कई सारे नर्सिंग होम भी हैं, कुछ बड़े हॉस्पिटल भी हैं। सबके अलग अलग नॉर्म है। नर्सिंग होम में चूँकि इसके पहले मैं जिस जिले में था वहाँ पर देखता था, तो अभी चूँकि मेरे संज्ञान में भी ये शिकायत लगातार आ रही है और कहीं ना कहीं मैंने इसको संज्ञान में लेकर के तत्काल जो है आज एक पत्र भी जारी किया है जितने भी सरगुजा संभाग के CMHO हैं और उनके साथ जो नर्सिंग होम के जो नोडल हैं सबको हमने एक पत्र जारी किया है कि एक टीम गठित करके लगातार जो है औचक निरीक्षण करें जितने भी इस तरह के हैं और जहाँ भी अगर कोई भी वैधानिक उनके पास दस्तावेज नहीं है जो नॉर्म में होना चाहिए तत्काल उसमें सील की कार्रवाई करें टीम के साथ।